14 लाख कैंडिडेट को डीएलएड कराया और अचानक से ऐसा मुंह फेर के बैठ गया और इसके बारे में केंद्र सरकार पूरा चुप मार के बैठा है। हम किससे पूछे, हम लोग तो एक शिक्षार्थी है। हम लोग कॉलेज में गया, एडमिशन लिया और एडमिशन के द्वारा कोर्स कंप्लीट किया। अंदर के बाद हमें थोड़ी पता चलेगा कि उन्होंने आश्वासन तो दिया है लेकिन काम कुछ नहीं किया। हाँ, हम देख रहे कर देंगे ऐसा बोल रहे लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं बना। कि डेमोक्रेसी का हाल क्या हो चुका है, जहां अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का भी मौका नहीं है। जनता आवाज, आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। जंतर मंतर पर जो है इस समय एनआईओ से जो डीएलएड किए हुए छात्र हैं वो मौजूद है और उनकी मांग है कि ये जो फैसला था सरकार का या कोर्ट का, दरअसल ये फैसला जो है वो इनके खिलाफ है और इसको निरस्त किया जाना चाहिए। क्या पूरी मांग है आप लोगों की डीएलएड को लेकर के, सरकार का रवैया क्या बदलेगा? जी, बदलेगा या नहीं बदलेगा ये नहीं पता है, लेकिन सरकार आप खुद देख लीजिए, आप सब लोग इसी गवर्नमेंट में रह रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं, कि डेमोक्रेसी का हाल क्या हो चुका है, जहां अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का भी मौका नहीं है। यहां मैं पहली बार जंतर मंतर पे आई हूं और मुझे तो लग रहा है कि ये प्लान्ड तरीके से है, जहां पे बस ले आके फेंक दो, कोई भी बात सुनने को यहां पे कोई तैयारी नहीं, ना कोई गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ना किसी को पता चल रहा है, कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ से हमारी मांग क्या है, डिग्री वैलिड है, पूरे प्रॉपर सबूत हैं इसके। ये बात अलग है कि जो लॉयर था वो सही तरीके से सबूत रख नहीं पाया और जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस गवई थे उन्होंने ये भी नहीं सोचा। ये फैसला कब आया? ये फैसला जो है वो 28 नवंबर 2023 को आया, ठीक है। और उसके बाद मैं खुद एनआईओएस डीएलएड हूँ, मैंने इसी भी हाफ पे सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाई किया है और मैं केवीएस सिलेक्टेड हूँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर ये चार दिन बाद फैसला आया होता तो मैं आज सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड होती। तो ये जो बेकार की चीज़ की हुई है, चाहे वो जुडिशरी की बोल दें, चाहे लेजिस्लेचर का, इतना लेजिस्लेचर एकदम लचर रवैया अपना रहा है, बिल्कुल कोई भी शिक्षा मंत्री कोई बात सुनने को। आप लोग किस बैच के? मैं एक ही बार ये हुआ ही है 2017 से लेके 2019, एक ही बार हुआ ही है ये डिग्री, उसके बाद किसी ने ये डिप्लोमा कराया ही नहीं। ये डिप्लोमा हुआ क्यों था, सबसे पहले तो ये जानने की, सिर्फ ये एनआईओएस को वैलिड करो सिस्टम नहीं है, ये किया क्यों गया था 2009 में आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत जितने भी टीचर्स थे जो अनट्रेंड हैं उनको ट्रेंड करने के लिए ये हमारे जो संविधान है उसमें क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया 2009 में, और जितने भी अनट्रेंड टीचर्स थे उन सबको एजुकेशन प्रोग्राम। अभी मेरी बातचीत हो रही थी कुछ लोगों से यहीं पर, आपके जो साथी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसी डिग्री पर नौकरी भी कर, बिल्कुल अभी क्योंकि अब ये 7 साल बाद ये मुद्दा इनवैलिड हुआ है, ये डिग्री इनवैलिड हुई है, तो 7 साल 2019 से 2023 तक जितने भी लोग थे, मैं खुद बता रही हूँ आपको, अगर 4 दिन डिले हुआ होता मैं खुद इसी डिग्री के भी पे नौकरी कर रही होती। तो 7 साल में जितने लोगों को नौकरी मिली सब उसी डिग्री पे नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। और उसको लेकिन जो होल्ड पे हैं, जिनको अब अपकमिंग वैकेंसी में किसी को मौका नहीं मिल रहा है, कोई किसी को। आप लोग क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम आसाम से आए हैं। आसाम से आए हैं, तो आप लोगों ने कब किया था डीएलएड, कब किया? ये वन टाइम विंडो था सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के द्वारा ये कोर्ट जो करवाया गया था, और ये समय था 17 to 19, इसके बीच 2017 से 2019 तक एक बार ही हुआ है। और केंद्र सरकार का ये कहना था कि ये जो कानून लाया था ना, ये सभी टीचर, जितने हमारे भारतवर्ष में जितने टीचर हैं सभी को करना है, वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जिस सेक्टर से हो, सभी को करना है, नहीं तो आप टीचर नहीं कर सकते बोल के ऐसे हम लोगों को मतलब बोला गया। इसलिए हम लोग सभी ने ये क्रॉस करा है। तो करने के बाद हमारे आसाम में अब मतलब ढंग रह जाएंगे, 23 तक टीचर नियुक्ति दे रहा था, तो 28 नवंबर को एक जजमेंट निकला और उसी समय हमारे आसाम में रिक्रूटमेंट में प्रोसेस शुरू हो रहा था और हमको नकार दिया गया। आपका परीक्षा निकल चुका था? हाँ, हम टेट क्वालिफाइड हो चुके थे, अभी सिर्फ फॉर्म भरना था और जॉब मिलना था, ऐसा कंडीशन में हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। तो अब आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अब तक किसी भी तरीके की कोई बातचीत हुई है आप लोगों की, शिक्षा मंत्री से क्या उम्मीद है, क्या अपील करें?
देखिए, शिक्षा मंत्री के पास हमारे बहुत सारे साथी गए हैं, लेकिन वो एक ही बात बोलता है, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, आप कोर्ट जाइए। लेकिन ये कोर्ट आप लोग गए? कोर्ट हमारे उत्तराखंड से गए थे, वहाँ से तो वर्डिक्ट निकल गया, तो एक टीपी लेके अभी यूपी से और बिहार से गए हैं, टीपी लेके ट्रांसफर पिटीशन लेके गया है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहा है ऐसे इस तरीके से अगर हो जाए, अगर सरकार मान जाए और गेजेट प्रकाश कर दे, तो हमारे सब मतलब दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और हम लोग नियुक्त हो जाएंगे। मतलब इसमें जो लोग आए हुए हैं क्या सब आसाम से या अन्य जगहों के? नहीं, अलग अलग स्टेट से है, आसाम से भी है, असम से थोड़ा ज़्यादा है आज। ये क्या है कि ये 2017 में सरकार ने जो अनट्रेन टीशर्ट था, प्राइवेट में भी हो या सरकार में भी हो, उन लोगों को बोला कि तो आप लोग एक दो इयर्स का डिप्लोमा कोर्स कीजिए, ठीक है। उन लोगों का डीएलएड जो है आप लोगों का, ये प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल में है, क्लास एट तक, क्लास एट तक, हाँ मिडिल में। उन लोगों का ये बोला गया टू इयर्स का डिप्लोमा हमने कर लिया, लेकिन उत्तराखंड का कोई लोग केस कर दिया कि ये 3 मंथ्स का है, 24 मंथ्स का नहीं है। तो सरकार ने बोला है कि ये 24 मंथ्स का ही है, 6 महीने इंटर्नशिप है, क्योंकि जो शिक्षक शिक्षक थे वो तो किसी ना किसी स्कूल में तो है ही, टीचर तो कर ही रहे है, इसलिए 6 महीने इंटर्नशिप उसमें हो गया, उसको मिलाकर 24 मंथ्स हो गया। ये सरकार का ही बात है, ठीक है। आप लोग ये 2019 में मार्च तक कंप्लीट कर लीजिए, मार्च तक कंप्लीट करने के बाद ये क्या हो, 18 महीने हो। अगर 24 महीने का वो लोग हम लोगों से कर लेता तो सितंबर तक हो जाता, तो हम लोग तो करते ना, हम लोग तो खुद नहीं मांगे ना, ये हमको 18 महीने दे दीजिए, 6 महीने इंटर्नशिप दे दीजिए, हम तो ऐसा नहीं मांगा ना, ये सरकार का ही रूल था। आप टीईटी क्वालिफाई हैं? हम टेट क्वालिफाई है, ये सरकार का ही रूल था कि आप लोग 2019 में मार्च तक कीजिए, इसलिए हमने किया, हम तो खुद नहीं मांग लिया ना, हमको ये मार्च तक कर दीजिए। अगर 24 महीने ही करना है तो आप वो लोग बता देता तो हम लोग कर लेता ना, ये हम लोगों का कैसा गलती, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाए क्यों, हम लोग तो फेल ही दिए है, ये सरकार का ही कर्ज है, उन लोगों का ही ये नियम है, और उन लोगों ही हमको हटाएगा तो ये देश न्याय कैसे रहेगा? क्या कह रहे थे सर? ये डीएलएड 24 मंथ का ही है, ये ऐसा बिहार हाईकोर्ट और त्रिपुरा हाईकोर्ट ने भी राय दिया था, उन दो स्टेट में भी ये इसके खिलाफ हुआ था, केस हुआ था, वो दो स्टेट में भी ये बोला था ये 24 मंथ का है डिप्लोमा, और जो उन वहाँ का जो प्रत्याशी था उनको बहाली में मौका मिला दिया था ऐसा। लेकिन अभी जो लास्ट 28 को जो नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि ये 18 महीने के है इसलिए इनवैलिड है, इसलिए हम लोगों को भी असम सरकार ने जो अभी जो बहाली जारी हुए हम लोगों को भी बाहर किया है, इसलिए हम इधर आए हैं। तो अब जो है आप हाँ। लोग के इस प्रदर्शन जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोर्ट में आप लोग गए थे उस जो है फैसले आने के बाद, किस तरीके की पुनर्विचार याचिका आप लोगों ने दायर की थी, इस पर फिर से एक बार क्या चिंतन मंथन होना चाहिए था, क्या आप लोगों ने इस तरीके की पहल की थी? हाँ हाँ किए थे, हम असम हमारे कोर्ट में गए थे असम में, उन लोगों ने हमको अंतरिम ऑर्डर दे दिया, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, सरकार ने हमें बात रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया है अंतरिम ऑर्डर, हाँ, और बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दोबारा होने से तो आप लोग बहाली में रहोगे, शामिल हो सकते हैं। आप भी टीईटी क्वालिफाई हैं? हाँ हाँ। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है तरुण माझी। कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल में भी स्थिति यही है जो ये बता रहे हैं? यही स्थिति है। हम लोग टोटल अभी 115 है, 115 से हम लोग 10 आए हुए हैं, तो हमारे वहाँ पे भी स्थिति यही है। इसका सलूशन यही निकलेगा कि अगर इसको गेजेट में शामिल कर दिया जाए ना, कि क्यों ये 18 महीने का किया, 18 महीने हम लोग तो टीचर है ना, हमारा तो 3-3 मंथ 6 मंथ का तो इंटर्नशिप चलता है, तो प्रैक्टिस टीचिंग का ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं किया, केंद्र सरकार ने भी गेजेट में शामिल नहीं किया इसको कि ये 24 मंथ का ही है। NCT को बोल दिया कि 18 महीने के अंदर में कोर्स कम्प्लीट कीजिए, लेकिन क्यों इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया उस, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि आप लोगों का कोर्स 18 महीने का है। नहीं, ये गलत बात है, ये पूरा 24 मंथ का ही है। हम लोग स्कूल का शिक्षा से वहीं पे पढ़ा रहा है, जब फ्रेश कैंडिडेट पढ़ा रहा है तो उनको प्रैक्टिस टीचिंग का ज़रूरत है, हमें तो प्रैक्टिस टीचिंग का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमको ज़रूरत नहीं है। इस बात को अगर गेजेट में शामिल कर देता केंद्र सरकार ने, तब हमारा ये कोर्स मान्यता पाता,
जनरल कोर्स के तरह वैलिड होता, सबका ऑडियल मूड में कोर्स करा रहा है। इवन हमारा वेस्ट बंगाल में पैरा टीचर को भी ये कोर्स कराया। अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कराता तो वैलिड होता, केंद्र सरकार ने पूरा देशव्यापी कराया और इसको क्या करा दिया जे आप फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं आ सकते, ऐसे कैसे होगा। आप लोगों ने 14,000 कैंडिडेट को डीएलएड कराया, और 14 लाख कैंडिडेट को डीएलएड कराया, और अचानक से ऐसा मुंह फेर के बैठ गया, और इसके बारे में केंद्र सरकार पूरा चुप मार के बैठा है, क्योंकि उन्होंने गलती उन्हीं का है। गैजेट में क्यों नहीं शामिल किया, गैजेट का हम प्रकाश करेंगे, गैजेट प्रकाश करना तो सरकार का काम है। एमएचआरडी क्यों निर्देश नहीं दिया, हम किससे पूछे, हम लोग तो एक शिक्षार्थी है, हम लोग कॉलेज में गया, एडमिशन लिया और एडमिशन के द्वारा कोर्स कम्प्लीट किया, अंदर के बाद हमें थोड़ी पता चलेगा, हम तो वेरियस स्टेट से है, कैसे पता चलेगा हमको। एक उत्तराखंड के केस से पूरा देश को बाहर कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा। उत्तराखंड का क्या केस, उत्तराखंड का ही यही केस था कि 18 महीने का कोर्स है, आपको 24 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये वैलिड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस कोर्स को इनवैलिड नहीं बताया, इक्विवेलेंट नहीं है, 24 इक्विवेलेंट नहीं है। आप लोग गैजेट लाइए, कोई डॉक्यूमेंट लाइए, उसके बाद वैलिड कर देगा। आप लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से क्या किसी तरीके की बातचीत आप लोगों की हो पाई, क्योंकि संगठनात्मक तौर पर आप यहाँ पे प्रदर्शन कर। हाँ देखिए, उन्होंने आश्वासन तो दिया है लेकिन काम कुछ नहीं किया। हाँ हम देख रहे हैं, कर देंगे ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं बना। चलिए, पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, ये बताना है कि महत्वपूर्ण बात ये है कि NIMS DLED लेकर 2.5 लाख टीचर सरकारी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाते, वो लोग का वैलिड होता है। और तो उनको 2017 से 2019 की आप बात कर रहे हैं कि इस बीच डीएलएड करवाया है, तो 2.5 लाख छात्र जो नौकरी कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं, और हम लोग कैसे इनवैलिड है, वो लोग वैलिड है हम लोग कैसे इनवैलिड, ये बात हमको। 2.5 लाख छात्र नौकरी में जो है कब गए ये भी बताइए। वो 2017 और 2019 के बीच ही गए, ये कोर्स करके गए, वो लोग नौकरी कर रहे हैं, और लेकिन हमको अचानक ये जो वर्डिक्ट निकल आया है कि आप लोग नहीं कर सकते। चलिए, तो ये पूरी बातचीत है कि एक ही जो है कोर्स को करके 2.5 लाख लोग जो ये बता रहे हैं नौकरी कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और इनके डिग्री जो है उसको अवैध करार दे दिया गया, वैलिड नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में, जो इन्होंने बताया 28 नवंबर 2023 की बात। अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं अलग अलग राज्यों के लोग हैं। इस पूरी बातचीत से आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।